करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की, करूं तारीफ बंसी की या बंसी के बजैया की। जहां ना काम चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से, मुरली की तानों से, मुरली की तानों से, मुरली की तानों से। पांडव बोले कन्हैया बताओ ये युद्ध किसने जिताया। कन्हैया बोले पांडवों कैसी बात करते हो, मैं तो तुम्हारे रथ चला रहा था और ड्राइवर अगर स्टेयरिंग पर ध्यान नहीं देगा तो गाड़ी ठोक देगा। ऐसे ही मैं तुम्हारा रथ चला रहा था और अगर ध्यान ना देता तो तुम्हारा रथ कैसे चलता, मेरा तो ध्यान तुम्हारे रथ की तरफ था। पांडव बोले प्रभु में हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस युद्ध का योद्धा कौन है बताइए। तो कन्हैया बोले इस युद्ध को मैंने नहीं देखा, लेकिन एक है जिसने पूरे युद्ध को देखा है। एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब एक बार झोली तुम पसार लो और मैं भी पसारता हूँ। चलते हैं बरबरीक के पास, उठा लो दोनों हाथ, बरबरीक बाबा श्याम बनने जा रहे हैं। चलो चले उस शीश के पास, 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 चलो चले जाकर करेंगे उसको अरदास, जाकर करेंगे उसको अरदास। चलो चले चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। गए अब जरा ताली बजे। दोनों हाथ फैलो। ये कीर्तन है, सच कहता हूं एक एक ताली का हिसाब सांवरा देगा। ताली खुशी में बजाई जाती है, अभिमान में बजाई जाती है, गर्व में बजाई जाती है और बाबा श्याम के कीर्तन में बजाई जाती है। गए बरबरीक के पास, बरबरीक को पूछा बताओ बरबरीक तुमने युद्ध में क्या देखा। तब बरबरीक बोले प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों कन्हैया को यह बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया। अब ताली मत बजाना, ध्यान से सुनना क्या वरदान मिला। जाओ बरबरीक, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। वरदान गिनना क्या क्या मिला। कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम बनकर करेगा। दूसरा वरदान देखो, कन्हैया ने वचन को वरदान में बदल दिया। बरबरीक ने वचन दिया था जो पक्ष हारेगा उसका वरदान दे दिया कन्हैया ने। जाओ बरबरीक, तेरे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा दुनिया की कोई ताकत उसको दोबारा हरा नहीं पाएगी। दूसरा वरदान। तीसरा वरदान, तूने अपनी मां को वचन दिया था। ये श्याम बाबा आते हैं तो ऐसा ही होता है, ताली बजेगा। तीसरा वरदान कि तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा रास्ते में तू इनकार नहीं करेगा। जा, तेरे भक्तों को वरदान देता हूं, तेरे दरबार में जो पहली बार, ध्यान दीजिएगा,
पहली बार तेरी कथा सुनकर बैठ जाएगा, वो कुछ भी मांगेगा तेरे दरबार से लेकर जाएगा, खाली नहीं जाएगा, उसकी झोली मैं भरूंगा। चौथा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, घर घर में तेरी ज्योत जलाई जाएगी, घर घर में तेरे कीर्तन होंगे। प्रेमियों, आज अगर आपका पड़ोसी कहता है कि मैं खाटू नहीं जाता, तो अपने बच्चों को बोल के रखना कि हमारे जाने के बाद भी ध्यान रखना, इसकी ये पीढ़ी क्या, अगली पीढ़ी क्या, किसी ना किसी पीढ़ी को एक दिन खाटू जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि वरदान है श्याम बाबा को कि बच्चा बच्चा तेरे दरबार में आएगा, कलयुग का एक एक प्राणी खाटू में दर्शन करने तेरे दरबार में आएगा। ये खाटू के वही बाबा श्याम है जो कलयुग में खाटू गांव में धरती से प्रगटे और अब हमारे बीच में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। ये वही दरबार, ये वही शीश है, खाटू का शीश, पत्थर की मूर्ति नहीं। अगर पत्थर का होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू जाकर ना रोता। आओ बाबा के दरबार में मांग ले बाबा से, दोनों हाथ खोल कर। छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम पे छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम पे छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम पे। अब थोड़े से लालची हो जाना। लालची कैसे, एक बार गाओ। छोड़ेंगे ना हम, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक। और जो मेरी तरह सबसे बड़े लालची हैं, दोनों हाथ उठाओ। सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरा शाम आता है, मेरा शाम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो आता है। तो गर्व से बोलो, जोर से बोलो, मेरे दुख के दिनों में वो। इतनी जोर से बोलो कि पड़ोसी को जेलसी हो जाए, सामरा इसी का है क्या। मेरे दुख के दिनों में वो, और इतनी जोर से बोलो कि आवाज जोत तक पहुंच जाए। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, दरकार पड़े जब भी, दरकार पड़े जब भी, घनश्याम आता है ओ मेरे दुख के दिनों में वो, ओ मेरे दुख के दिनों में वो काम आता। हमारे पिंजौर से मेरा, सच बताऊं, बहुत पुराना नाता है। हमारे बीच हमारे श्याम भैया भी आए, मैं चाहूंगा एक बार आप भी स्टेज पर आए, एक बार आइए प्लीज। कोई बात, इधर आओ, आज नहीं बात बनेगी, दूसरे को लगाओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारे स्वर टीवी, जो आप अपने मोबाइल पर और फॉरेन में, ये हमारा चैनल चल रहा है 5 कंट्रीज में, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा में श्याम बाबा और बालाजी के भजन आते हैं सिर्फ उस पर, और आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल है। कुछ एंड्रॉइड्स में नहीं मिलेगा अभी 2-3 दिन के लिए। स्वर टीवी ऐप है, आईफोन जिनके पास है उस पर डाउनलोड करें। आओ जरा इधर। ये मेरा बहुत पुराना मित्र है,